साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। शिवसेना नेता संजय राउत महाराष्ट्र की सियासत में बेमानी से होते हुए दिख रहे हैं। हालांकि संजय राउत के बयान लगातार आ रहे हैं, मगर उनके बयानों के बाद उन्हें ही ज्यादा मुश्किल होती हुई दिख रही है। अब चौतरफा मुश्किलों में घिरे संजय राउत को लेकर नया और बड़ा खुलासा है, जिसे महाखुलासा तक कहा जा रहा है। और ये खुलासा है टूथपेस्ट प्लान के जरिए संजय राउत के काम तमाम का। सब कुछ तय हो चुका था, तारीख तय थी, वक्त तय था, प्लान तय था, और एक झटके में संजय राउत का काम तमाम होना था, पॉलिटिकली पूरी तरह से खत्म किया जाना था। तो क्या है संजय राउत के खिलाफ टूथपेस्ट प्लान, कैसे हुआ ये खुलासा और अब आगे क्या होने वाला है, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो संजय राउत के हाल लगातार खराब होते जा रहे हैं, हर गुजरता दिन उनकी मुश्किलें बढ़ा रहा है। एक तरफ ईडी उनके पीछे पड़ी हुई, तो दूसरी तरफ मानहानि के केस में भी उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तो तीसरा, उन्होंने जो ईडी पर मुंबई के एक बिजनेसमैन पर रंगदारी के जो आरोप लगाए थे वो भी खारिज होते हुए दिख रहे हैं, और इसमें भी उल्टा संजय राउत ही फंस सकते हैं। अब इतनी सारी समस्याओं और मुश्किलों के बाद संजय राउत को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा खुलासा संजय राउत के खात्मे को लेकर है, संजय राउत के पॉलिटिकली खात्मे को लेकर है। संजय राउत को राजनीतिक रूप से पूरी तरह से खत्म करने की पूरी प्लानिंग हो चुकी थी, तारीख तय थी, सब कुछ तय था, और इसे टूथपेस्ट प्लान नाम दिया गया। जो पहले आपको ये पूरा प्लान बताएंगे, फिर आपको बताएंगे कि इसका नतीजा क्यों हुआ और क्या इसमें आगे निकल कर आया। तो 10 जून को महाराष्ट्र में राज्यसभा का चुनाव होना था, जिसमें शिवसेना की तरफ से एक प्रत्याशी संजय राउत भी थे, और राउत पिछली बार भी शिवसेना से ही राज्यसभा सांसद थे। अब खबर है कि इससे पहले ही एकनाथ शिंदे गुट बहुत कुछ तय कर चुका था और बहुत कुछ तय हो चुका था, और जैसे ही संजय राउत को शिवसेना की तरफ से राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया गया तो टूथपेस्ट प्लान एक्टिव हो गया और 10 जून की तारीख तय की गई। शिंदे गुट का एक विधायक मुंबई में चर्चगेट स्टेशन के सामने एशियाई डिपार्टमेंट स्टोर पहुंचा और वहां से 10 छोटे टूथपेस्ट खरीद कर लेकर आया। जी हाँ, प्लान शुरू हो चुका था क्योंकि टूथपेस्ट खरीदा जा चुका था। प्लान था संजय राउत को राज्यसभा चुनाव में जीत से रोकना। प्लान किया गया कि शिंदे गुट के विधायक जिन्हें संजय राउत के लिए वोटिंग करनी है वो अपने वोट को खराब करेंगे और इसके लिए टूथपेस्ट का सहारा लिया जाएगा। जी हां, तय किया गया कि संजय राउत को वोट वाले मतपत्र पर टूथपेस्ट लगा दी जाएगी, जिससे कि वोट या तो खराब हो जाएगा या फिर अमान्य घोषित हो जाएगा और संजय राउत को वोट मिल नहीं पाएगा, और तय वोट तक संजय राउत पहुंच नहीं पाएंगे तो फिर राज्यसभा चुनाव जीत नहीं पाएंगे, एक झटके में उनकी हार हो जाएगी, जो कि उनके लिए बहुत बड़ा झटका होगा, सेटबैक होगा। अब आगे बढ़ने से पहले यह भी समझिए कि राज्यसभा चुनाव में विधायक वोटिंग करते हैं और जो वोट खराब हो गया उसकी गिनती होती ही नहीं है, यानी कि उसे रद्द माना जाता है, और शिंदे गुट के कई विधायक संजय राउत को दिया जाने वाला अपना वोट खराब करना चाहते थे। यह बड़ा खुलासा हुआ है। शिंदे गुट के ज्यादातर विधायक संजय राउत के खिलाफ लंबे समय से नाराज थे और आरोप तो यहां तक है कि कई बार उद्धव ठाकरे तक भी इस बात को पहुंचाने की कोशिश हुई, लेकिन बात हो नहीं पाई, बात बन नहीं पाई, और इसीलिए शिंदे गुट ने अलग होने के लिए तय कर लिया और यह भी तय कर लिया कि संजय राउत को राज्यसभा चुनाव में हरा दिया जाए, राउत को राजनीतिक तौर पर, सियासी तौर पर खत्म कर दिया जाए, ताकि फिर से संजय राउत कभी उठ ही नहीं पाए और हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और ये पूरा प्लान था, इसे टूथपेस्ट प्लान नाम दिया गया था। लेकिन अब इस प्लान के एग्जीक्यूट होने से ठीक पहले, यानी कि 10 जून से ठीक पहले रणनीति बदली गई। जी हां, अचानक रणनीति इसलिए बदली गई क्योंकि टारगेट बहुत बड़ा था, टारगेट महाराष्ट्र में सरकार थी और संजय राउत तो तब भी, यानी कि सरकार आने के बाद भी साइड हो ही जाते, जो कि फिलहाल दिख रहा है, और इसीलिए शिंदे गुट की बैठक में तय किया गया कि फिलहाल ऐसा नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर टूथपेस्ट प्लान एक्टिव होता तो विधायकों के वोट खराब हो जाते और फिर उद्धव ठाकरे भी अलर्ट हो जाते, और इसी वजह से टूथपेस्ट प्लान को अचानक रोक दिया गया, अबॉर्ट कर दिया गया। हालांकि तब तो ये प्लान शुरू नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी जब उद्धव ठाकरे की सरकार गई तो कई और प्लान से, या कहें कि टूथपेस्ट प्लान की ही तरह कई और प्लान यहां पर चालू हो गए, लागू हो गए, और सबसे ज्यादा मुश्किल संजय राउत को ही आ रही है, सबसे ज्यादा परेशानी उन्हीं को आ रही है, और आगे भी संजय राउत के लिए ही सबसे ज्यादा आफत आने वाली।
वाली है। हालांकि टूथपेस्ट प्लान में वो बच जरूर गए, राज्यसभा सांसद चुन लिए गए, लेकिन अब आगे उनकी मुश्किलें कम होने वाली नहीं है। तो आपका क्या मानना है, क्या टूथपेस्ट प्लान एक्टिव होता तो संजय राउत को और ज्यादा मुश्किल होती, या फिर अब भी संजय राउत के लिए बच पाना लगभग असंभव है? कमेंट करके आप भी जरूर दें अपनी राय और वीडियो को अभी शेयर भी करें। अभी इन दो मामलों से संजय राउत निपटे भी नहीं थे, मामलों से बाहर भी नहीं आए थे कि तीसरे मामले ने उनकी मुश्किल बढ़ा दी है। संजय राउत के खिलाफ इस बार उनका ही दांव उल्टा पड़ गया है। रंगदारी के मामले में उनका दांव यहाँ उल्टा पड़ सकता है। असल में जब महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार थी, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, तो तब संजय राउत ने ईडी पर रंगदारी गैंग चलाने का आरोप लगाया था। और बड़ी बात यह है कि इसके लिए संजय राउत ने बकायदा एक कारोबारी का नाम तक लिया था। और मार्च के महीने में संजय राउत ने आरोप लगाया था कि नवलानी नाम के एक शख्स जो कि कोलाबा का रहने वाला है और मुंबई में कारोबारी है, उसने ईडी के कहने पर 58,96,00,000 जी हाँ, ये बहुत बड़ी रकम है, 58,96,00,000 रुपए की वसूली की थी। और ये रकम 2015 से लेकर 2021 तक वसूली गई, और ये ईडी के कहने पर ईडी के बिहा पर उस शख्स ने वसूली थी, और ये आरोप संजय राउत ने लगाया था। आगे देखिए, संजय राउत का ये भी आरोप था कि ईडी और ये कारोबारी मिलकर मुंबई के अन्य कारोबारियों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, पैसे की मांग कर रहे हैं, रंगदारी कर रहे हैं, जिसे कि संजय राउत ने साफ साफ रंगदारी कहा था। और संजय राउत का कहना था कि ईडी के अधिकारी इसलिए रंगदारी मांग रहे थे ताकि उन बिजनेसमैन के खिलाफ ईडी जांच ना करे, और जांच से बचने के लिए पैसे की उगाही हो रही थी, खुलेआम पैसे मांगे जा रहे थे, और उस कारोबारी नवलानी का यहां पर साथ लिया जा रहा था। ये आरोप संजय राउत ने लगाए थे। अब इन आरोपों के बाद खलबली मच गई थी। इस आरोप के तुरंत ही बाद महाराष्ट्र में केस दर्ज किया गया, और पहले मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने इसकी जांच शुरू की, और फिर इसे क्राइम ब्रांच को सौंपते हुए मामले की जांच के लिए एसआईटी बना दी गई। और खुद तब के महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वसे पाटिल ने इसका ऐलान किया था, एसआईटी बनाई थी। और ये जांच इतनी बड़ी थी कि तब के मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे खुद इस जांच को लगातार मॉनिटर कर रहे थे, और इसमें कई तरह की जांच चल रही थी, जांच हो रही थी। लेकिन अब नया अपडेट ये है कि मुंबई पुलिस ने उस एसआईटी को भंग कर दिया है। जी हाँ, वो एसआईटी भंग हो गई, और एक तरह से जांच भी खत्म हो गई है, यानी कि संजय राउत के आरोप पूरी तरह से एक तरह से खारिज हो गए। अब मामले में ट्विस्ट नया तब आया जब ये बात भी निकल कर आ रही है कि अब गलत आरोप लगाने के मामले में संजय राउत पर उल्टा एक्शन हो सकता है। जी हाँ, कल तक जो मुंबई पुलिस संजय राउत के इशारों पर काम कर रही थी, वही मुंबई पुलिस अब संजय राउत के आरोपों की जांच करने के लिए एसआईटी को खारिज कर चुकी है, भंग कर चुकी, और एक तरह से रंगदारी के मामले को भी लगभग खारिजी कर दिया है। लेकिन ये शब्द रंगदारी का इतना बड़ा है कि रंगदारी को ही लेकर संजय राउत बुरे फंस सकते हैं, क्योंकि अगर ये साबित होता है कि संजय राउत ने गलत आरोप लगाए, आरोप मनगढ़ंत लगा दिए थे, और फिर ईडी की तरफ से भी और उस कारोबारी की तरफ से भी संजय राउत के खिलाफ एक्शन की मांग हो सकती है, और मुंबई पुलिस खुद इसमें एक्शन ले सकती है अगर वो चाहे तो। यानी कि संजय राउत ने मामला तो बहुत बड़ा उठाया था, आरोप भी बहुत बड़े लगाए थे, और उनकी पार्टी की सरकार में उसकी जांच भी हो रही थी, लेकिन अब अचानक जांच बंद हो गई, एसआईटी खत्म हो गई, जिससे कि अब आगे संजय राउत की ही उल्टा मुश्किलें बढ़ना तय हो गई हैं, क्योंकि संजय राउत पर उल्टा एक्शन हो सकता है। गलत आरोप की बात साबित होती है तो उनके खिलाफ कड़ा और बड़ा एक्शन हो सकता है। आपका क्या मानना है, संजय राउत के लिए कितना बड़ा झटका है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।